local member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? Then terrorist people can enter in this house. He must apologize. Yeah. Can. We'll verify the record. What he says? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say this? Viduri, you. तो सुना आपने दानिश अली को। जी हाँ, अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और अचानक ये वीडियो सामने आ गई है संसद भवन की। उस दिन की ये वीडियो सामने आई है जिस दिन आपको याद होगा कि भाजपा के सांसद रमेश विधूड़ी ने दानिश अली को गालियां दी थी, उन्हें मुसलमान होने की वजह से आतंकी, देशद्रोही और अलग अलग चीजें और अलग अलग ऐसी ऐसी गालियां दी जिसे बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता है। आपने साफ सुन लिया कि किस तरह से दानिश अली ने यह बात कही है कि क्या इस सदन में आतंकवादी बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, वो ओम से वो स्पीकर साहब से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या इस संसद भवन के अंदर में आतंकवादी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि एक सांसद दूसरे सांसद को आतंकवादी कैसे कह सकता है, वो ये बात पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अब इनका वीडियो सामने आ गया है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जब लग रहा था कि जब रमेश विधूड़ी ने आतंकवादी कहा, इन्हें आतंकी कहा, उसके बाद उपद्रवी और तमाम तरह की जब बातें कही तो क्यों आखिर ऐसा हुआ कि दानिश अली ने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन दानिश अली का वीडियो सामने आ गया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से दानिश अली ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने भरी सदन में खड़े होकर के यह बात कही कि क्या इस देश की सदन में बैठे हुए लोग आतंकवादी हैं, यह बात बताई जाए। क्या इस देश के सांसद को आतंकवादी कहा जाएगा, यह बात बताई जाए। इनसे इन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक माफी नहीं मांगी गई। और ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल चल रहा है इस देश में। और कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो वीडियो सामने आ गया है उसके बाद ये साफ नजर आ रहा है कि वहां पर बैठे हुए तमाम जो लोग थे वो इस बात को जान रहे थे, समझ रहे थे, इसके बावजूद किसी ने इस चीज का विरोध नहीं किया। और साथ ही साथ जब वीडियो वायरल हो गया, जब रमेश विधूड़ी की तमाम बातें सामने आ गई, उसके बावजूद उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, ना ही उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सही तरीके से कार्रवाई की गई। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये तमाम चीजें जो हुई है वो बहुत आसानी से हो गई, रमेश विधूड़ी ने कह दिया और कोई बात नहीं, खत्म हो गई? क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई एक सही पार्टी होती, अगर उनकी नीयत अच्छी होती, तो आज इस रमेश विधूड़ी जैसे सांसद को, बदतमीज सांसद को कम से कम पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता। ये वही सांसद है जिसने 2016 में 2019 में अरविंद केजरीवाल को गाली दी, उनके बच्चों को गाली दी, उनसे ये कहा कि ये जो बच्चे हैं इनके, ये इनके नहीं है बल्कि इनके पड़ोसी के बच्चे हैं, और इस तरह की बात करने वाले रमेश विधूड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। यहां तक के बृजभूषण जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको बता दें कि उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने महिला एथलीट के साथ जबरदस्ती की, उनका यौन शोषण करने की कोशिश की, उनके साथ जब उन्हें मौका मिला बदतमीजी की। वो उल्टे दानिश अली को समझा रहे हैं कि आपको अपने तरफ देखना चाहिए, अपने ऊपर जो है वो निगाह डालनी चाहिए। इसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे लोग दानिश अली पर उंगली उठा रहे हों और जब देश का एक बड़ा हिस्सा रमेश विधूड़ी का साथ दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं यह बात साफ हो जाती है कि आज देश में इतनी नफरतें हो गई है कि सड़क से लेकर के संसद भवन तक मुसलमानों को गालियां दी जा रही है और लोग तमाशबीन बनकर के देख रहे हैं। सत्ताधारी लोग जो है इस तमाशा का हिस्सा बने हुए हैं, और न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय मुसलमानों का क्या, भारतीय मुसलमानों की क्या कुछ अहमियत रह गई है और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, इस पूरे मामले को पूरा दुनिया देख रहा है और समझ रहा है कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब संसद भवन के अंदर में मुसलमान कौम को गालियां दी जाती है, एक मुस्लिम सांसद को गालियां दी जाती है, तब वो चुप्पी साध लेते हैं। उनकी पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक लेटर नहीं निकलता है कि हम इन्हें निष्कासित कर रहे हैं। एक लेटर कहा जाता है कि हमने एक शोक काउज लेटर पूछा है कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। एक बात बताइए, किसी भी रीजन की वजह से एक मुस्लिम सांसद को इस तरह से गाली देना कैसे वाजिब हो सकता है? और बाद में डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी गोड्डा सीट से जो के सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा था, तो वो वीडियो कहाँ है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा? वरना आप तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बात
इस पूरे मामले के 24 घंटे के बाद याद आई कि ऐसा ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे और आपके सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्हें गालियां दी गई, लेकिन उसका कोई वीडियो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो उस दिन जब संसद भवन में रमेश बिधूड़ी उस मुस्लिम सांसद को गाली दे रहे थे, दानिश अली को गालियां दे रहे थे, तब पीछे बैठे हुए दो नेता भारतीय जनता पार्टी के हंसी और ठहाके नहीं लगा रहे होते, वो उनके भी चेहरे पे गुस्सा होता, क्योंकि उनके प्रधान सेवक को, उनके जो सबसे बड़े नेता हैं और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को, उनको अगर गालियां दी जाती तो ये लोग शांत ना बैठते।